नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेमपाश में खोया रह गया, अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, हे पापी, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त हो और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदनंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी ने उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर को कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृप्रश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।